हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपको बता रही हूँ पाव की रेसिपी, और इसे मैं बिना यीस्ट के बनाना बता रही हूँ। तो इसके हमें चाहिएगा 1.5 कप मैदा, आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, 2 छोटी चम्मच शक्कर का पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं रखा है अभी, तो आप इसकी जगह 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, पर रिजल्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, यानी कि थोड़े कम सॉफ्ट बनते हैं फिर वो। तो बेकिंग पाउडर हो तो आप बेकिंग पाउडर का ही यूज़ करें। और इसमें डाल देते हैं इनो, तो ये एक छोटा पाउच लिया है, इसमें 1 छोटी चम्मच आता है, तो ये डाल देना है। जब सभी चीज़ें छान रहे हैं तभी डाल दें, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं यहाँ भूल गई हूँ इसलिए बाद में डाल रही हूँ। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं 1/2 कप दही, और यहाँ पर जो दही है बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ताज़ा भी नहीं होना चाहिए। इसे अब हमें 10 मिनट तक गूंथना है, जिससे कि बहुत ही अच्छे से इसका डो तैयार हो जाए और बहुत ही अच्छे से इसके पाव बने। इसमें हम ज़रूरत अनुसार आप दूध या पानी जो नॉर्मल टेम्परेचर का हो वो डालते जाएँ, और एक बहुत ही सॉफ्ट डो इसका तैयार हमें करना है। जैसा रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा और सॉफ्ट आटा इसका तैयार करना है। ज़्यादा भी गीला नहीं रखना है, नहीं तो वो अच्छे से फूलते नहीं हैं, और ज़्यादा अगर आपने टाइट रखा तब भी वो बहुत ही हार्ड लगेंगे। तो इसका बहुत ही परफेक्ट आटा आपको लगाना होगा। बहुत ही अच्छे से इसे आप गूँथ लीजिए, 10 से 12 मिनट तक अच्छे से इसे गूँथें, जिससे कि अच्छे से इसके पाव फूलें और सॉफ्ट बने। और इसमें साथ ही में 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाल देते हैं। अच्छे से मैंने आटा यहाँ पर गूंथ लिया है, अच्छे से इसका डो तैयार हो गया है, और ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ हो गया है ये। तो इसे अभी हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। इसे सेट होने के लिए बर्तन में तेल लगा देते हैं, जिससे पाव चिपके नहीं। अच्छे से सभी तरफ आपको तेल लगा लेना है। अगर आपके पास स्क्वायर शेप का हो तो आप वो यूज़ कर लें, या फिर राउंड शेप का जैसा मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से यूज़ किया हुआ नमक ले लिया है, इसे हम नीचे डाल देंगे। करीबन 1 कप नमक है, और इसके ऊपर स्टैंड रख देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं। थाली को ढक देते हैं, थोड़ा सा तेल इसमें और डालते हैं, और इसे और अच्छे से 1 से 2 मिनट और गूँथ लेते हैं। थोड़ा सा और इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से इसे 1-2 मिनट और अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। और इसको अब 4 बराबर बराबर भागों में लेते हैं। आप उसकी साइज रखें 4, 5, 6, जैसे आपको बनाने हैं, छोटे बड़े उस हिसाब से आप ले लें। और इस तरीके से लोई को इस तरीके से आपको अंदर इसका आटा इसे लेते हुए इसको बिल्कुल ऊपर से स्मूथ रखना है। बिल्कुल भी सल नहीं आने चाहिए और नीचे से भी सल नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल बढ़िया बिना सल का लोई हमारी ये बन जाएगी। इसे अब हम रख देते हैं बर्तन में, और बाकी की इसी तरीके से बना के रख देते हैं। और इन गोलों के बीच में स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि ये फूलते हैं, तो इसमें बीच में थोड़ी स्पेस रखें। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर ब्रश की हेल्प से थोड़ा तेल लगा देते हैं। आप इसकी जगह दूध भी लगा सकते हैं। कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अब इसे हम रख देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे 30 से 40 मिनट तक बेक करते हैं। 40 मिनट हो गए हैं, और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, एक बार मैंने 30 मिनट में चेक किया था तब ये नहीं बने थे, 40 मिनट में ये बन गए हैं। तो इसकी फ्लेम पर डिपेंड करता है, और बिल्कुल अच्छे से देखिए इसका पाव बिल्कुल बढ़िया हमारा तैयार हो गया है। तो और इसे हम उतार के स्टैंड पे रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं, जिससे कि ये कड़क नहीं हो, सॉफ्ट रहे। अभी ये थोड़े हार्ड लगते हैं, आप इसे गीले टॉवल से ढक के रख देंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप देखेंगे 1.5 से 2 घंटे बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसे आप 1.5 से 2 घंटे बाद यूज़ करें। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारे पाव बन के तैयार हो चुके हैं। पर हाँ, ये बिल्कुल वैसे मार्केट जैसे पाव नहीं लगते हैं, क्योंकि इसमें हमने यीस्ट का यूज़ नहीं किया है। यीस्ट का यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी और सॉफ्ट रहते हैं, जालीदार रहते हैं। ये थोड़े से कम स्पंज इसमें आता है, सॉफ्टनेस थोड़ी कम होती है, पर टेस्ट में अच्छे लगते हैं। मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ, जिससे आपको अंदर से पता चले कि ये किस तरीके से दिखते हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।